हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देश के प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, राज्य के सभी टोल नाकों पर घायल पशुओं को सुरक्षित स्थान भेजने के लिए मिले पशु एम्बुलेंस वाहन। ओम श्री गजानंद सेवा समिति अध्यक्ष मंगल कुमार मीणा ने ज्ञापन में बताया कि मैं अपने स्वयं के खून से खत लिखकर आपको दर्द भरी दास्तान सुना रहा हूं, जो टोल नाकों पर घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाने हेतु है। हमारे द्वारा 7 वर्ष बीत गए मांग कर रहे हैं, इसके बावजूद भी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। हम गौ माता का दर्द सहन कर नहीं पा रहे हैं। हजारों गौवंश का खून सड़कों पर बहता है, हमें बहुत पीड़ा होती है। हमारा थोड़ा सा खून यदि खत लिखने में चला जाता है, हमें कोई खेद नहीं है, पर आप इस मांग को पूरा करवाएंगे, हमें विश्वास है। माननीय प्रधानमंत्री जी, राजस्थान सिरोही शिवगंज उत्मा टोल नाके के आसपास रोजाना पशु सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं। दुर्घटनाग्रस्त पशु लहूलुहान हालत में लूले लंगड़े सड़क किनारे पड़े मिलते हैं और कुछ सड़क पर ही पड़े मिलते हैं। टोल प्लाजा की अनदेखी के कारण पशु सड़क पर ही काल का ग्रास बन जाते हैं, तो कुछ पशुओं को टोल कर्मियों द्वारा सड़क किनारे रखा जाता है, वह तड़पते हुए सड़क के आसपास गड्ढे में गिर जाते हैं। टोल कंपनी के पास पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण घायल पशुओं गौशाला नहीं पहुंच पाते हैं। घायल अवस्था में वहां पड़े रहते हैं तो कीड़े पड़ जाते हैं। गौ माता को तड़पता देख वहां से गुजर रहे कुछ लोगों द्वारा हमें सूचना ही मिल जाती है, तो हम वहां किराए के वाहन के माध्यम से घटनास्थल पर पहुंचकर घायल पशुओं को स्वयं अपने खर्चे से गौशाला पहुंचाते हैं, इलाज करवाते हैं। यह पूरी जिम्मेदारी टोल प्रशासन की बनती है, फिर भी गौ माता करप्ट सड़कों पर बहता है, वह तड़पती है और हमें पुकारती है कि अब तो जागो, में इलाज के अभाव में तड़प रही हूँ, एक एम्बुलेंस लेकर आओ, मुझे गौशाला पहुँचाओ, क्योंकि सभी गौशाले के पास में वाहन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। रात को 8 से होते ही तो किराए के वाहन भी नहीं मिल पाते, हमारी परेशानियां बढ़ती जा रही है, जिससे ओम श्री गजानंद सेवा समिति पालड़ी एम, गोसेवा जीव दया मिशन शिवगंज सिरोही, पीपल फॉर एनिमल सिरोही, पांजरा पोल पलराई, गौपुत्र सेना राजस्थान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, गौ रक्षा टीम, समस्त गौ भक्तों, पशु प्रेमी, समाज सेवियों, निरंतर सेवा दी जा रही है। पर यह संस्थाएं आखिर में कहां कहां पहुंचेगी, और हमारी संस्थाएं इतनी भी बड़ी नहीं है, कुछ संस्थाएं तो सिर्फ युवा टीम के साथ काम करती है और वह सभी बेरोजगार युवा हैं। कोरोना महामारी में सब रोजगार धंधे ठप हो गए हैं, गौ माता की रक्षा के लिए आगे आना कठिन होता है, फिर भी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखी है, कमी है सिर्फ टोल पर पशु एम्बुलेंस मुहैया करवाने की। आप कृपया कर इस मांग को लोकसभा में पेश कर टोल के नियमों में संशोधन करवाएं और जल्द करवाएं, ताकि पशु हजारों की संख्या में काल का ग्रास ना बने और उनके प्राण बचाए जा सके। टोल लाखों की वसूली के बावजूद भी बेजुबान पशुओं के लिए पशु एम्बुलेंस कंपाउंडर लोहे की जाली की व्यवस्था नहीं करवा पाता है, यह हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक तरफ तो हम गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करवाने की मांग कर रही है, पर वहीं आज सुरक्षित नहीं है, कहीं इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, तो कहीं गौशालाओं की व्यवस्थाएं सही नहीं है, तो कहीं एम्बुलेंस की कमियां हैं। विशेषकर टोल नाकों पर पशु एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाएं, क्योंकि यहां अधिकांश संख्या में वाहनों का आवागमन होता है, पशु सड़कों पर विचरण करने के कारण हादसों का शिकार बन रहे हैं। मैं मानता हूं बेजुबान पशु समझते नहीं है, सड़कों पर विचरण करने लगे हैं, यह लोगों की गलती है। दुधारू पशुओं को भी घर से बाहर निकाल देते हैं, उनको उन पर भी कार्रवाई एसटीएम मार्फत करवानी चाहिए, ताकि कुछ हद तक पशु काल का ग्रास ना बने और अपने बच्चों से बिछड़े नहीं, अनजाने में डिवाइडर पर पनपत्ती घास खाने के लिए पशु सड़कों पर आ जाते हैं। ओम श्री गजानंद सेवा समिति पालड़ी एम सहित अन्य गौ भक्तों द्वारा मांग की जा रही है कि जहां जहां 4 लाइन हाईवे सड़क गांव के आसपास से गुजर रही है, वहां पर लोहे की जाली की व्यवस्था करवाई जाए, ताकि पशु सड़कों पर हाईवे क्रॉस नहीं करेंगे, पर यह मांग टोल मानने को तैयार नहीं है, गौ माता बहुत दुखी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको हम क्या बताएं, भक्तों की पीड़ा को समझिए, गायों की रक्षा के लिए आप आगे आइए, तेजाजी का रूप धारण कर गौ माता की रक्षा करें और आगे आए, क्योंकि आप देश के जितने लोकप्रिय हैं उतने ही हमारे पशु प्यारे हैं। यह मैं आपको ज्ञापन भेज रहा हूं, जो 3 घंटे से अधिक समय से एक ही स्थान पर बैठकर विस्तार से लिख रहा हूं। इसमें कोई कमी पेशी हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे बेजुबान पशु गौ माता का दर्द देखा नहीं जाता है, मैं इस देश का नागरिक हूं, आप इसे नजरअंदाज मत करें, हमारी उम्मीद है आप पर है और केंद्र सरकार यह कार्य करवा सकती है, टोल प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन चलते हैं, मंत्रीगण मिलकर इस संबंध में सदन में बात रखें और जल्द से जल्द इस मांग को पूरा करें। हमारे द्वारा सैकड़ों ज्ञापन पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री
उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, एसपी महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, थाना अधिकारी, टोल प्रशासन सहित राज्यपाल महोदय को 23 पेज का ज्ञापन सौंपकर इस मामले से अवगत करवाया गया है। मीडिया के मार्फत भी बड़े पैमाने पर मांग उठा रही है, फिर भी टोल प्रशासन मानने को तैयार नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं टोल का कितना तानाशाह रवैया है। आपके शासन में यदि बेजुबान पशुओं, गौ माता सुरक्षित नहीं बची तो इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हम किसे राष्ट्र पशु घोषित करेंगे जब बेजुबान पशु गौ माता बचेगी नहीं। रोज दुर्घटना में पशु मर रहे हैं पर टोल प्रशासन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम गौ भक्तों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर करके थक गए हैं। आखिर निजी वाहन के सहारे कब तक हम पशुओं की रक्षा करेंगे। आप जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हुए भी हमें इतनी कष्ट झेलना पड़ रहा है। अपने नियमों का हवाला देकर हमें वहाँ से खदेड़ रहे हैं। सिर्फ एक एम्बुलेंस की मांग है, इसे पूरा करवाने के लिए मुझे इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। 7 साल बीत गए मंगल कुमार मीणा, पुनः आपसे विनती करता हूँ कि मैं राज्य के मुख्यमंत्री को खून से खत लिखकर अवगत करवाया था, फिर भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहाँ से फॉरवर्ड काफी एसपी महोदय के पास भी आई थी लेकिन उसका भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। टोल अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। हाईवे पर मृत पशुओं को जमीन से गाड़ने के लिए टोल कंपनी के पास कोई व्यवस्था नहीं है। कई बार पशु सड़कों पर पड़े रहते हैं और उन्हीं की वजह से सैकड़ों पशु दोबारा दुर्घटना का शिकार बनते हैं। हमें उम्मीद है कि इस संबंध में आप जल्द हमारी मदद करेंगे। यह हमारी मदद नहीं होगी, गौ माता की होगी। और आपकी सरकार में जो गौ माता को मान सम्मान दिया गया है उसका गौरव बढ़ेगा। बेजुबान पशुओं का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा। हमारी मांगे पूरी करें, गौ भक्त टीम सदा आपकी आभारी रहेंगे। जागरूक टीवी के पोसाले से कल्पना माली की रिपोर्ट।